नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की 5 बड़ी खबरें। ममता ने कहा कि टोल प्लाजा पर सैनिकों की तैनाती हमें बताए बगैर हुई। कटियार ने कहा कि अयोध्या में बनकर रहेगा राम मंदिर। मायावती ने कहा कि अखिलेश ने मेट्रो रेल के उद्घाटन में उतावलापन दिखाया। संसद में गतिरोध बरकरार, प्रधानमंत्री से माफी की मांग। पुतिन ने कहा कि राष्ट्रीय हितों के लिए रूस का ध्यान पूरब पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर राज्य को अंधेरे में रखकर राजमार्ग पर दो पथकर वसूली चौकियों पर सेना की तैनाती करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्रालय ने इस आरोप से यह कहते हुए इनकार किया है कि यह एक वार्षिक अभ्यास है जो पूरे देश में चल रहा है। यह अभ्यास आकस्मिक स्थिति में वाहनों पर कितना वजन लादा गया है उनके आंकड़े सेना को उपलब्ध कराने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की गुरुवार को यह परिवर्तन यात्रा में सांसद विनय कटियार ने उत्तर प्रदेश की दशा सुधारने के लिए विकास की दिशा में चलने का आह्वान किया। रानी झांसी की वीर भूमि से चलकर परिवर्तन यात्रा 26वें दिन हाथरस पहुंची। कटियार ने कहा, अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बने, यह हमारा संकल्प है। लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मेट्रो रेल का धूमधाम के साथ उद्घाटन करने की आलोचना करते हुए बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने इसे अखिलेश यादव का उतावलापन बताया। मायावती ने कहा कि मेट्रो परियोजना की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी शासनकाल में हुई थी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नोटबंदी के मुद्दे पर लगातार 11वें दिन गुरुवार को भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्षी दल मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत लोकसभा में चर्चा पर और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। रूस अपना ध्यान पूर्वी एशिया की ओर पश्चिम से ठंडे रिश्तों की वजह से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों की वजह से कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को यह बात कही।